सिरेन पंच की, जिसका अपने ही घर में खून हो जाता है। प्राइम सस्पेक्ट उसका खुद का पति। व्हाट इज द मोटिव? सर, फ्रेंड्स और फैमिली से पूछताछ करने पर हमको पता चला कि एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अभी अभी नई नई शादी हुई थी और दो दिन पहले ही उदयपुर से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। नो रॉबरी, नो रैनसम कॉल, नथिंग। तो फिर ये खून कर कौन सकता है? पुलिस को इन्फॉर्म मिस्टर पंचकी के हेल्पर ने किया, तो उसने खून होते हुए नहीं देखा? नो सर, उसने सिर्फ मिसेस पंचकी की आवाज़ सुनी थी, और जब तक वो वहाँ पर भाग कर पहुँचा तब तक ना ही वहाँ पर मर्डर था और ना ही मिसेस पंचकी की बॉडी। कॉल द आई विटनेसेस। तो आपका कहना है कि आपने खून होते हुए नहीं देखा? नहीं, बस मैडम की चीख सुनी और एक गोली की आवाज। मैं तुरंत गार्डन की तरफ भागी। कितना टाइम लगा होगा आपको? यही कुछ 5 से 7 मिनट। वो फ्रंट डोर जाम हो गया था, सो पीछे के दरवाजे से आना पड़ा। आपने बयान में लिखवाया कि आपने क्राइम होते हुए देखा, तो खूनी को भी देखा होगा? नहीं, आई टोल्ड यू ना, मेरी विंडो के सामने गुलमोहर ट्री है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ मिसेस पंचकी को ही देख पाई। मैडम तो नहीं दिखी, पर उनका दुपट्टा था और हर तरफ खून बिखरा हुआ था। ओह माय गॉड, इतना ब्लड! आई कॉल द पुलिस। दुपट्टे पर लगा हुआ ब्लड मैचेस टू सिरेन पंच की। बुलेट रिपोर्ट भी आ गई है सर। गोली बहुत पास से चलाई गई थी, बट द क्वेश्चन इज कि मर्डर उसकी बॉडी को वहां से ले क्यों गया? वैसे भी खून तो वो छुपा नहीं सकता था। एक बार बॉडी मिल जाए, उसके बाद होल केस विल बी क्रिस्टल क्लियर। इस बॉडी ने तो दिमाग की दही कर दी है सर, ना खूनी का पता चल रहा है ना ही लाश का। ऐसा लग रहा है कि लाश ने खुद ही को गोली मारी और वहां से उठकर भाग गई। सिरेन के लॉयर को बुलाओ। क्यों सर? जस्ट कॉल हिम। ओके सर। यू आर अंडर अरेस्ट फॉर मर्डर ऑफ योर वाइफ। तो पूरी कहानी आप खुद बताएंगे या मैं बताऊं? आई प्लान माई फेक मर्डर। वी बिलोंग टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रॉयल फैमिलीज ऑफ उदयपुर, जहाँ शादियाँ सिर्फ एक अलायंस होती है, जस्ट अ डील बिटवीन टू रॉयल फैमिलीज। मेरी और राव की शादी भी हमारी मर्जी के खिलाफ हुई थी। अगर हम ये शादी तोड़ देते तो हमें पूरी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ता, लेकिन अगर हम में से कोई एक मर जाता तो हमें प्रॉपर्टी भी मिल जाती और हमारी फैमिलीज की सिंपैथी भी। पर आप पर गोली चलाई किसने? वो गोली मैंने खुद चलाई थी। वो दुपट्टा भी मैंने ही वहाँ छोड़ा और राव ने मिसेस सरोज का डोर बाहर से लॉक कर दिया ताकि मुझे वहाँ से निकलने का वक्त मिल जाए। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। इनफैक्ट मेरी प्रॉपर्टी भी राव के नाम पर ट्रांसफ़र होने ही वाली थी। और आप लोगों को पता कैसे चला कि मैं जिंदा हूँ? क्योंकि अपने पैरों पर चलकर इंसान जाते हैं, लाशें नहीं। जी, आपके लॉयर ने प्रॉपर्टी एंगल को क्लियर किया। मिसिंग बॉडी, नो आई विटनेस, या ये कहूँ ब्लाइंड आई विटनेस, एंड फाइनल नेल इन द कॉफिन, आपके पति। यू आर अंडर अरेस्ट फॉर मर्डर ऑफ योर वाइफ। व्हाट नॉनसेंस! लुक, यू कांट अरेस्ट मी लाइक दिस। मैंने कुछ नहीं किया है। हमें वो गन मिल चुकी है जिससे मर्डर हुआ है।
और वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। How is that possible? आपको वो गन कैसे मिल सकती? I mean, वो गन मेरी कैसे हो सकती है? ये सफाई आप कोर्ट में दीजिएगा। मर्डर वेपन ऑन करना इज इनफ टू प्रूव योर गिल्टी। जेल तो आपको जाना ही है। आपने अपनी वाइफ का खून किया है और वो भी अपने ही घर में। चलिए देखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। डोंट फोर्स मी मिस्टर पंचकी, आप एक क्रिमिनल हैं। यू किल्ड योर वाइफ, यू कमिटेड ए वेल प्लान्ड मर्डर। आई डिडंट डू इट, गॉड डैम इट, सिरिन जिंदा है। देखो मैंने कोई खून नहीं किया, गोली उसने खुद चलाई थी। वेयर इज योर वाइफ मिस्टर पंचकी? Don't stare at me. It's not because of me. It's all because of your stupidity. तुमने तो कहा था कि तुमने वो गन डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर? God, इतने बड़े बेवकूफ हो तुम। तुम्हें अभी समझ नहीं आया? They played you. They never had the gun.